नमो शस्त्र पाने नमो असत्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। परम ज्ञाता ज्ञान का सागर ज्ञान का पुंज भी परमात्मा तु ही है और सारे संसार की मां भी तू ही है जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है बच्चे में कुछ कमी हो जाए बच्चा गलती कर दे गंदा हो मैला हो माँ के प्रेम में कभी कमी नहीं आती ख्याल करना यहां वो ये नहीं कह रहे हैं नमो लोक पिता लोक पिता नहीं कह रहे पिता अहंकार प्रदान होता है जनक होता है लेकिन पालन करता नहीं होता है मां पालन करता है नौ मास तक पहले अपने गर्भ में पालती है और फिर अपना दूध पिलाकर उसको बड़ा करती है और फिर भोजन और ज्ञान और अपब्रिंगिंग सही परवरिश दे करके पालती है उसको जैसे माता पालती है प्यार देती है ऐसे ही सारे संसार को जो पाल रहा है सारे संसार को जो माँ की न्यायी प्रेम देता है तभी तो हजार भूल तुम करते हो हजार अवगुण हजार पाप तुमसे होते हैं फिर भी तुम्हें बख्श देता है फिर भी वो तुम्हें क्षमा देता है फिर भी वो तुम्हें सीने से लगाता है फिर भी वो तुम्हारे अवगुण नहीं देखता अभेखी अभर्मी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगेश्वरम परम जुक्ते तो स्वयं भोगों से परे है पर कोई भी भोग तेरे बगैर नहीं हो सकते भोगों को भोगता भी तू ही है जोगियों में जोग तू ही है जोगियों की परम जुक्ति भी तू ही है नमो नित नारायणे क्रूर में नमो प्रेत अप्रेत देव सुधर में, क्रूर निर्दयी अब पहले बहुत बार कह चुके हैं नमो दयाल दयाले अब कह रहे हैं नमो क्रूर तो निर्दयी भी तो ही है नहीं बिल्कुल है तुम कहते हो मरना नहीं मौत आ जाती तुम कहते हो संसार मिटे नहीं संसार मिट जाता है तुम कहते हो दुनिया चलती ही रहे ऐसी नहीं चलती क्रूर याद रहे जो दया देगा वो क्रूरता भी देगा क्योंकि दया और क्रूरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते क्रूरता भी तेरी ही है नारायण स्वरूप तू तो नित्य है हे नारायण स्वरूप प्रेत भी तू है अप्रेत भी तू है जब सब कुछ तू है जब सारे रूप तेरे हैं तो फिर प्रेत के रूप में कौन है भूत के रूप में कौन है वहां पर भी वही है वहां पर भी तू ही है नामदेव जी के बारे में एक बहुत प्यारी कथा आती है कि नामदेव आप सरस हैं प्रेमी हैं भक्त हैं संत हैं पर बड़ी प्रसिद्धि हो गई चाही तो नहीं थी पर क्या करें बस यही है जो चाहते हैं उनकी होती नहीं जो नहीं चाहते उनकी हो जाती है नामदेव जी बड़े प्रसिद्ध हो गए इनके विरोधियों ने सोचा अब इसको सीधे अगर मारा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोग हम ही को मार देंगे क्या करें एक ने कहा भाई जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ है वहां सुना है एक प्रेत रहता है और जो भी कोई उस दिशा में जाए वो उसको मार देता है बोले उस बरगद के पेड़ तक अगर हम नामदेव को पहुंचा दें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा हमने तो भेजना ही ना वहां तक आगे का काम प्रेत का है और प्रेत के लिए लोग कुछ कर नहीं सकेंगे सीधे हमारा नाम भी नहीं आएगा नामदेव मर जाएगा और जो हम हमारा चढ़ावा सारा उसको जा रहा है जो सारी प्रसिद्धि उसको जा रही है वो वापस हमारे पास आ जाएगी अब लगा जंगल में वहां लेके जाएंगे कैसे कहते एक काम करते नामदेव कीर्तन के बड़े प्रेमी हैं तो हम लोग वही जंगल के पेड़ के आसपास कहीं पर कीर्तन का आयोजन करते तो वो जगह साफ करके वहां एक मंदिर सा बना लेते हैं सारे गांव को न्योता देते हैं नामदेव जी को मुख्य अतिथि बना लेते हैं कीर्तन शुरू होगा कीर्तन होगा बीच में किसी मौके पर हम नामदेव को वहां से निकाल के उस दिशा में भेज देंगे जहां वो प्रेत रहता है सारी सेटिंग हो गई कीर्तन का आयोजन हो गया गांव आ गया सब लोग आ गए कीर्तन शुरू हो गया नामदेव जी आ गए अब कहते हैं संजोग की बात नामदेव जी को प्यास लगी प्यास लगी तो उन्होंने पूछा कि भाई जल तो उन्होंने कहा बस आइए साथ ही है बड़ी सुंदर एक कुआं है वहां कुएं तक आपको लेके चलते हैं ताजा पानी निकालेंगे आपको जल पिलाएंगे दुख से नामदेव को वहां से निकाला ले गए उस दिशा में जहां कुआं तो क्या होना था बरगद का पेड़ है जहां के लिए कहा गया था कि प्रेत रहता है और उसकी दिशा में कोई आए वो निश्चित मरेगा वो अब नामदेव भोले भाई चल पड़े जो लेके गया था वो चुपके से पीछे को सरक गया जैसे ही दिखा कि पेड़ आ रहा है पर जोर से कहा बस ये रहा जरा जल्दी चलिए जरा जल्दी चलिए नामदेव थोड़ा जल्दी चले पीछे से निकल गया और सच में वहां प्रेत था जैसे ही नामदेव उसके पेड़ तक पहुंचते हैं तो प्रेत ने अपना भयंकर रूप दिखा दिया और जो चीखने लगा जो चिंगारने लगा और उसका वो भयंकर रूप आप नामदेव देख रहे हैं अजब क्या खेल हो गया आए थे पानी पीने पानी तो क्या मिलना था ये सामने कौन इतने जोर से उसकी आवाजें निकल रही थी कि कोई और होता तो हार्ट फेल होता और धरा राशि हो जाता बेहोश हो जाता या चीखे के ही मर जाता नाम देख रहे हैं उसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं उसको न डर रहे हैं ना बेहोश हो रहे हैं न भाग रहे हैं बस देख रहे हैं उसको किसी प्रेत परेशान हो गया कि ये नॉर्मली क्या होता है किसी बंदे के सामने वो आए तो बंदा ऐसे ही या तो बेहोश हो जाएगा या भाग जाएगा या हनुमान चालीसा करने लग जाएगा और ये कुछ भी नहीं कर रहा है और खड़ा मुंह ताके जा रहा है प्रेत ने चीखना बंद कर दिया प्रेत ने चीखना बंद कर दिया नामदेव जी ने तालियां बजा बजा करके कीर्तन करना शुरू कर दिया अब दूर वहां इनकी आवाज लोग सुन पाते हैं लोग भाग के उधर आते हैं बोले नामदेव जी कीर्तन तो यहां हो रहा है और तू अपनी कीर्तन की मंदिर की जगह छोड़ करके ये कहाँ आकर के खड़े होके कुछ तो ध्यान करो कीर्तनकार सारे वहां बैठे हैं तुम यहां आकर के जंगल में चिल्लाए चले जा रहे हो क्या हो गया है आपको यहां क्या कर रहे हो जी कहते पागल मुझसे मत पूछ देख जा रहा सामने न जा आज मेरा गोविंद कैसा स्वरूप बना करके लाया आज मेरे गोविंद की लीला ही बड़ी अद्भुत है हमेशा देखा था मुरली मनोहर स्वरूप में आज क्या भयंकर रूप बना करके आया और सब लोग कहे कहा अब इस कथा में बहुत गहरे मत घुस जाना कि अच्छा नामदेव जी को दिखे थे तो हमको भी कुछ दिख जाएगा कभी प्रेत जरूर दिख सकता देखना चाहो तो जगह बता देती वैसे शीशा देख लेना जब सब तू है तो फिर प्रेत भी तू कुरूप भी तू और सुंदर भी तू अंधेरा भी तू प्रकाश भी तू शस्त्र भी तू असत्र भी तू नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहम, नमो भूप भूपे हमारे रोगों को दूर करता भी तू राग का अर्थ होता है प्यार प्यार का स्वरूप भी तू शाहों का शाह भी तू राजाओं का राजा भी तू नमो दान दाने नमो मान मानम नमो रोग रोगे नमस्तम स्नानम दानियों में दान का भाव तू ही है तो जब कभी गलती से तुम्हारे दिल में दान करने का भाव जगे तो अहंकार मत कर लेना कि हम कितने अच्छे हो गए हैं हमको दान का भाव आया नहीं दान का भाव भी उसी का होता और उसी की वजह से होता नमो दान दाने। और जब मान सम्मान कहीं से मिलता है तो गुरु कह रहा है वो मान भी उसी की ही वजह से होता है क्योंकि मान का स्वरूप सम्मान का स्वरूप तो परमात्मा का है तो तुमको जो भी कभी कहीं से भी कोई सम्मान मिले कोई मान दे तो लोभी होकर उस मान पे कब्जा मत कर लेना जान लेना कि तुम्हारे भीतर जो बैठा है ना परमेश्वर ये उसी को हो रहा है जिसे बैंक में क्लर्क पैसे गिनता है लाखों रुपए एक दिन में गिन जाता है पर वो लाखों रुपए उसके नहीं होते लाखों रुपए गिनता है पर वो लाखों रुपए का मालिक नहीं होता है पोस्टमैन आपके घर में चिट्ठी पहुंचाता है अब उस लिफाफे में करोड़ों रुपए का चेक हो तो भी आपको हैंड ओवर करेगा कुरियर कंपनी वाला आता है आपको सामान देता है और चला जाता है मालिक नहीं है वो ऐसे ही जब भी कोई सम्मान देता है तो जो सम्मान दे रहा है वो भी परमेश्वर और जिसको दे रहा है वो भी परमेश्वर तुम बीच में कुछ भी नहीं हो पोस्टमैन तो फिर भी कुछ है मेरी बड़ी तारीफ हुई क्या बेवकूफों की तरह खुश होते हो मेरी तारीफ कोई नहीं करता है काहे मरते हो तारीफ के योग्य जो है बस वही है नमस्तम मस्तम स्नानम स्नान की बड़ी महानता है हिंदू धर्मों में अमावस्या है तो स्नान पूर्णमासी है तो स्नान पूजा करनी है तो पहले स्नान श्राद्ध क्रिया कर्म करना है तो पहले स्नान श्राद्ध कर लो तो फिर बाद में भी स्नान स्नान की बड़ी महिमा स्नान करके क्या होगा बोले पवित्रता अब यहां वो कह रहे हैं स्नान करने से जो पवित्रता तुमको मिलती है वो पवित्रता भी परमात्मा से ही मिलती स्नान से नहीं मिलती है शुद्धि किस से शुद्धि कहां से आती है शुद्धि पवित्रता वह भी परमात्मा से ही आती है तो हम सबको जो शुद्धि देता है हम सबको जो पवित्र करता है नमस्तम हम तुमको नमस्कार करते हैं नमो मंत्र मंत्रम नमो जंत्र जंत्रम सारे मंत्र किस से किसकी शक्ति से किसकी उपासना किसकी महिमा करते हैं बोले तेरी ही इसलिए मेरे भाई हर मंत्र पूजनीय है ये राजनीति मत खेला करो कि यही मंत्र बोलेंगे दूसरा नहीं बोलेंगे नमो मंत्र मंत्रम हर शब्द हर मंत्र उसी मालिक की महिमा को कहता है उसी मालिक की महिमा को बतलाता है इसलिए इस झगड़े में मत पड़ना कि यह मंत्र श्रेष्ठ होता है नमो जंत्र जंत्रम यंत्र बहुत सारी ध्यान साधनाएं यंत्रों के साथ होती बहुत सारी पूजा पद्धतियों में यंत्रों का उपयोग होता है कुबेर लक्ष्मी देवी राम बहुत से यंत्र शिव यंत्र श्री यंत्र ये यंत्र होते यंत्र क्या होते हैं इट डायग्राम्स कुछ ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं जिन रेखाओं के माध्यम से जिन चिन्हों के माध्यम से देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है बुद्धिज्म में भी तंत्र और यंत्र दोनों का उपयोग है यंत्रों के ऊपर त्राटक की जाती है यंत्रों के साथ कुछ एक विशिष्ट मंत्र होते हैं उन मंत्रों का उपयोग किया जाता है तो जो यंत्र है वह यंत्र भी तेरी ही कृपा से तेरी ही शक्ति से यंत्र यंत्र हुआ तो उसके पीछे भी तू ही है कोई मंत्र अगर मंत्र है तो उसके पीछे भी तू ही है नमो इष्ट इष्टे इष्टों का इष्ट भी तू है लोग बड़े चक्कर में पड़े रहते हैं आ, पूछते रहते हैं इष्ट कौन सा होना चाहिए पर्सनल डिटी हु शुड बी आर पर्सनल गॉड कौन होना चाहिए विष्णु हो शिव हो राम हो दुर्गा हो कौन हो हनुमान हो कौन हो किसको बनाए गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे काहे झगड़े में पढ़ रहे हो इष्टों का इष्ट जो पर ब्रह्म है बस उसी की उपासना कर सबकी उपासना उसी में हो जाती पेड़ की जड़ में जल दो तो सब पत्ते शाखाओं को अपने आप पानी पहुंच जाता है ऐसे ही तो सिर्फ पर ब्रह्म का ध्यान कर बाकी सब देवी देव इष्ट ग्राम देवता देवता किन्नर देवता स्वर्ग में रहने वाला देवता तैतीस करोड़ देवी देवता भाई पागल हो जाएगा किसको किसको पूजेगा किसको किसको मनाएगा किसका किसका ध्यान करेगा हिंदुस्तान में तो हर दिन हर वार के लिए एक देवी है एक देवता है वह आ, संकेतों चिन्हों को पूजने वाला ये देश है कईयों को मैं देखती हूँ उनका लगभग लगभग हर दिन ही व्रत होता है आज सोमवार आज शंकर जी का आज मंगलवार आज हनुमान जी का आज बुधवार आज बुध देवता का आज गुरुवार आज बृहस्पति को खुश करेंगे आज शुक्रवार आज देवी का उप, होगा उपवास आज शनिवार तो शनिच्चर महाराज को प्रसन्न करना है आज रविवार तो रवि सूर्य की उपासना करने का दिन है तो सात दिन में अठारह व्रत कर लेते हैं फिर इसमें भी बड़ा झगड़ा झांसा है कौन श्रेष्ठ कौन नहीं श्रेष्ठ कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा कौन छोटा कौन शक्तिशाली कौन इच्छा जल्दी पूरी करेगा क्योंकि तुम हो तो इच्छाओं के गुलाम इष्ट के गुलाम थोड़ी होते हो तो मैं ना मतलब राम से है ना हनुमान से है ना तुम्हें मतलब दुर्गा से है ना शिव से है कहां जल्दी तुम्हारी कामना पूरी होगी तुम वहीं जाके मत्था घिसाओगे इष्टों का इष्ट कौन है पर कौन जो अभेखी है अलेखी है अरूप है अनाम है अकाम है अजू है अबू है उसी की साधना करें।